पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रोकने का पूरे देश में विरोध हो रहा है। बीजेपी की तरफ से पंजाब की कांग्रेस सरकार पर सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया जा रहा है। पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध का इजहार किया है, तो वहीं बीजेपी विधायक अमर कुमार बाबरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक से पंजाब की कांग्रेस सरकार की नीयत का पता चलता है। बाबरी ने कहा कि जिस जगह पर प्रधानमंत्री को रोक कर रखा गया था, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर महज 10 किलोमीटर दूर था। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या हो सकती है। पूरी पार्टी कह रही है कि 10 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर के समक्ष जिस तरह से षड्यंत्र पूर्वक प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया, जब सदरोज के स्वीकृति उनके प्राप्त हुए और वहाँ के बीजेपी ने जब रास्ता दिया तो गोपनीय रास्ता कैसे लीक आउट हुआ था तो उनको पता चला और कैसे वहाँ देर लगे, इसकी जाँच तो होनी चाहिए और दूसरी से कार्रवाई करनी चाहिए। और कांग्रेस का जिस तरह से बयान आया वो दिखलाता है कि देश के अंदर जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गया तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गया, प्रधानमंत्री के जीवन के साथ संकट नहीं है, ऐसा करने वाले खुद अपने आप निर्माण करना चाहिए। प्रोटोकॉल के तहत यहाँ करके मंत्री वहाँ नहीं गए और ये सारी घटनाएँ घटित हुई, दिखलाता है कि षड्यंत्र था और ये भगवान के महाकाल ने वही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। मरांडी ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने गलती मानने के बजाय उलझलूल बयान दे रही है। मरांडी ने कहा कि ईश्वर की कृपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षित हैं। बयान दे रहे हैं जो सार्वजनिक सुनाई दे रहा है, व्हाट्सएप में सारे कुछ दिखाई दे रहा है, उसे तो लगता है कि कोई चूक नहीं था। सार्वजनिक बीजेपी इसको लेकर कितना आगे तक जाएगी इस विरोध को लेकर? देखिए, हम तो देश की जनता अपनी जान कांग्रेस पार्टी की प्रकार से लोकतंत्र की हत्या पर उतार देते और जिस ढंग से उन्होंने छोटा मोटा हो सकता है, कहीं कोई अफसर जो कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के साथ उस समय चुनाव की भी घोषणा हुई थी, सरकारी प्रोग्राम में वो जा रहे थे, तो प्रोटोकॉल के साथ वो हवाई अड्डा में राज्य के मुख्यमंत्री जाते हैं, बीजेपी चीफ सेक्रेटरी सारे लोग वहाँ पहुँचे हैं स्वागत के, लेकिन कहीं कोई स्टे नहीं। और जब रूट बदलता है और उसके बाद जो घटनाएं घटती हैं जो पूरी दुनिया देखा, उसके बाद जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी के लीडर या पंजाब के मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं उससे तो बिल्कुल साफ है, एक साजिश था, एक षड्यंत्र था। ये तो देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा से लगे कि वहाँ से सुरक्षित निकल आए। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई खामियों की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति जांच करेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब दोनों को अलग अलग पैनल द्वारा जांच पर रोक लगाने के लिए कहा है। अब इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किसके दावे में कितना दम है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।